Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So guys, I am back with another vlog. So guys, अभी क्या अक्टूबर चल रहा है, अभी नवंबर दिसंबर में फुल मजा है, इतना बेस्ट सीजन रहने वाला है, जो कि आप लोग बहुत सोचेंगे भाई वीला जाने का, ये मतलब लोनावाला वगैरह बहुत सी जगह आप जाने का आपको मतलब इच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट और एकदम चीपेस्ट वीला लेके आया हूँ, जो कि कर्जत में है, और वो वीला का नाम है द वाइव वीला, और वो कर्जत स्टेशन से ज़्यादा नहीं, कुछ 5 से 10 मिनट का आपको मतलब रिक्शे से है, और वॉकिंग करेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, इसके लिए रिक्शा प्रीफर करिए। और मैं पूरा अभी अंदर जाके पूरा मैं बताऊंगा वीला कैसा है, मतलब उसका इंटीरियर वगैरह जो भी है, कितना बड़ा है, क्या है, सब बताने वाला हूँ। तो आप मेरा बैकग्राउंड वगैरह देख के समझ के रहेंगे, फुली ग्रीनरी रहने वाली है, और अभी देख सकते हो अभी का मौसम यहाँ पर कितना प्यारा और कितना बेहतरीन है। तो मैं अंदर का कैसा है पूरा वीला मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाला, तो गाइस ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो गाइस ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी मैं वीला के अंदर जा रहा हूँ, तो चलो स्टार्ट है। पहले डोर खुल चुका है इसमें, थैंक यू सो मच भाई। तो अभी पूरा अंदर जाके पर आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में यहाँ से पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको यहाँ से लेके आएंगे तो वहाँ पे आपको छोटा सा किचन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको स्टे के साथ आपको खाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब आपको यहाँ मिलने वाला है, और मिलेगा भी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको एक स्विमिंग पूल मिल जाएगा, और क्या है वो रेन डांस भी है ना, रेन डांस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 13-15 जन के लिए एक पर्टिकुलर रूम है, और सिंगल्स मतलब 2 से 3 जन आते हैं उन लोग के लिए के भी रूम है, जहाँ पे मैक्सिमम अगर आप किसी के मतलब फैमिली के साथ आना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हो, आप लास्ट से ला जाते हो, 30 से 40 बंदों का रहने के लिए जगह है, खाने के लिए खाना है, ब्रेकफास्ट है, सब कुछ है, और इन्जॉयमेंट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन, हुक्का भी है थोड़ा, और थोड़ा डीजे वगैरह भी है। तो ये तो मैं आपकी अंदर की बातें तो आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में है, और मैं भाई मत दिखा वहाँ पे कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक राइट साइड में आपको स्विमिंग पूल मिलने वाला है, वो भी बहुत ही प्यारा, और एकदम मतलब लोकेशन जो हिसाब से दिया गया, तो बहुत ही प्यारा लोकेशन दिया गया। और यहाँ पे मैं ऊपर आपको बता दूँ, ये रेन यहाँ पे जो है, रेन डांस क्या बोलते हैं भाई, रेन डांस के लिए यहाँ पे आपको वो दिया है, मतलब क्या कुछ तो भी पानी गिरता है ऊपर से, तो रेन डांस को समझ लो। तो आपको ये स्विमिंग पूल मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको चेस वगैरह कुछ भी कैरम वगैरह खेलने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर छोटा सा प्लेस दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये है एक पर्टिकुलर रूम जिसमें कम से कम 4 बंदे रह सकते हैं, वहाँ पे एक बेड है जिसमें 4 से 5 बंदे रह सकते हैं, काफ़ी बड़ा बेड है, अगर आप चाहो तो आप 2 जन के साथ आ सकते हो, बट समझ रहे हो ना, तो आ जाना जैसा भी है। और इसके आगे मैं आपको बता दूँ, अगर इसके आगे यहाँ पे इसके आगे आप सीधा जाते हो तो वहाँ पे एक और मतलब फार्म मतलब रूम है, जो कि कम से कम 18 से 19 जन लोगों को लोगों के रहने के लिए है। मैं आपको बता दूँ, वाइट कलर का आपको वहाँ पे बिल्डिंग कुछ दिख रहा रहेगा, वो उसमें है कुछ अप्रॉक्स बोले तो 18 से 20 जन रह सकते हैं, आई थिंक वहाँ पे लॉक है, तो मैं आपको इधर का दिखा देता हूँ। ओ भाई जब अंदर से चलो, मेरे पीछे जो है पहला वीला, वो एक मतलब एक छोटा मतलब रूम है, इसमें फार्म हाउस है, इसमें कितने लोग का है जगह मैं आपको पूरा बताता हूँ। एसी वगैरह फुल एयर कंडीशनर है उसका, बेफिक्र हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि फिलहाल तो अभी लाइट नहीं है, तो ये एक रूम आपको मिलने वाला है द वाई फार्म हाउस में, जो कि कर्जत स्टेशन से 5 से 10 मिनट का आपको रिक्शा से मतलब ड्राइविंग से है, रिक्शा से आपको आने को मिलेगा। ये रूम में आप जा देख सकते हो, बेड की बात करेंगे तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा बेड है, यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बंदे पर्टिकुलर जगह पे रह सकते हैं। और अंदर यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, और नहाने वगैरह के लिए बेसिन वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे लाइट नहीं है तो आपको पूरा शो नहीं कर पा रहा हूँ, शावर के साथ वगैरह आपको सब कुछ मिलने वाला है, अगर आपको नमाज पढ़ना है तो उसके लिए भी सब कुछ है, खाने वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब आप लोनावाला वगैरह जाते हैं, गाइस मैं आपको अंदर का जो फार्म हाउस है, एक फार्म हाउस सिंगल वाला मैं आपको बताया था, जैसे कि आप अंदर आगे पूरा एक्सप्लोर करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी जो मौसम है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे एनी टाइम बारिश होती रहती है, तो मतलब बोलते ना क्लाइमेट तो एकदम बेहतरीन, एकदम प्यारा क्लाइमेट। और ग्रीनरी की बात करें तो आपका पूरा ग्रीन आपको तो दिख ही रहा है, मैं अभी आपको फार्म हाउस का दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये है फार्म हाउस पहला, जिसमें आप अप्रॉक्स 3 से 4 बंदे यहाँ पे रह सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पे 2 जन का यहाँ पे दिया गया है, अगर आप चाहो इनकेस तो 3 बंदे यहाँ पे ज्यादा से रह सकते हो। यहाँ पे आपको बेड मिल जाता है, बाद में फुल एयर कंडीशनर एसी वगैरह दिया हुआ, और यहाँ पे वॉशरूम की बात करेंगे तो यहाँ पे वॉशरूम भी दिया गया, तो काफी अच्छा और बड़ा वॉशरूम है, मतलब यहाँ पे फुल डांस वगैरह भी मौजूद कर सकते हैं।
उसका बेफिक्र हो। और यहाँ पे कवर वगैरह भी दिया है, तो कि जो कपड़ा वगैरह रखने के लिए आप देख सकते हो, फुल्ली एकदम रीजनेबल प्राइस में और मतलब एकदम अच्छी चीज़। यहाँ पे आपको ये फार्म हाउस में था, वाई फार्म हाउस में आपको मिलने वाला है, तो वो मतलब मैं वही आपको पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और अंदर का फार्म हाउस है जिसमें अप्रॉक्स 18 से 20 जन लोगों के रहने के लिए यहाँ पे जो जगह है। और यहाँ पे एक और सबसे अच्छी और बेनिफिट की बात मुझे ये लगे कि आपको यहाँ पे स्टे के साथ खाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब आपको मिलने वाला है। तो गाइज मतलब और भी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अब हम लोग भी जो यहाँ पे आए हैं, तो खाने पीने का जो भी है, वो ब्रेकफास्ट खाने का लंच वगैरह वो भी मैं आपको बताने वाला क्या यहाँ पे कैसा चीज़ मिलने वाला है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पे खाने वगैरह का बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जब मैं आया तो मतलब जो भी मेड वगैरह है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब हम लोग का खातिरदारी बहुत ही बेहतरीन से हो रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका। तो मैं गाइस इसमें और भी चीज़ें पूरा एक्सप्लोर करूँगा, तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने लगी। वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपका इसमें बेनिफिट कुछ, इसमें कूपन वगैरह भी दूंगा मैं आपको जो शार्ट। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पूरा विला का तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% तो शो कर ही दिया, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपको लंच और ब्रेकफास्ट भी मिलने वाला। तो ब्रेकफास्ट का तो निकल गया टाइम, तो अभी मैंने लंच का यहाँ पे टाइम है, तो देख सकते हो लंच में पर पर्सन को आपको ये पूरा डिशेज आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 चपाती मिलने वाला है और एक बाउल आपको राइस मिलने वाला है और कुछ सलाद मिलने वाला है। और यहाँ पे 2 तरह का आपको भाजी मिलने वाली है, नॉनवेज चिकन मिलेगा और भाई कौन सी तो नहीं मालूम मुझे, एक दाल मिलेगा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे खाने के साथ मतलब पूरा इंजॉयमेंट के साथ आपको खाना लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ अमाउंट इसका कुछ पर पर्सन में आपको 2000 रुपीज़ होता है। अगर आप मेरे थ्रू आते हो तो यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट के साथ जो अमाउंट होगा वो अमाउंट में सब कुछ कवर अप हो जाएगा, खाने पीने से लेकर सब कुछ। खाली ट्रैवलिंग का आपको जाएगा और यहाँ पे जो फार्म हाउस पर जो चार्जेस लगे वो आपको जाएगा बस। तो गाइज अभी खाने का स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, आप लोग भी अपना आगे थोड़ा खा लो। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहला वाला फार्म हाउस दिखाया, तो मैं आपको सेकेंड वाला फार्म हाउस दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया था इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 जन रह सकते हैं। अलहमदुल्ला देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेड है यहाँ पे अलहमदुल्ला, काफ़ी बड़े बड़े। तो आशीष भाई ना, तो भाई इनका आशीष भाई का ये पूरा फार्म हाउस है, ये विला है, विला भी बोल सकते हैं एक टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो इसका सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगा कि यहाँ पे आप विला के बेस पे भी आ सकते हो, और यहाँ पे कि जहाँ की जो इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको एकदम आपको कश्मीर साइड में मनाली साइड में ऐसा फील होता है। तो आशीष भाई यहाँ का पर पर्सन में कितना खर्चा होने वाला है? 2000 रुपये तक पर पर्सन में अप्रॉक्स होता है। तो ये जो रूम है इसमें कितने बंदे लोग रह सकते हैं? 20 जन रह सकते हैं आराम से, अगर ये खाने पीना सब 2000 में कवर होगा इंक्लूड रहेगा। अगर वो मेरे थ्रू कोई बंदा आते तो उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं आएगा आपकी तरफ से? 20% ऑफ मेरे तरफ से भाई आशीर्वाद ने, 20% ऑफ तो मीन्स कितना होगा भाई? 1800 रुपये में गाइज आपको फुल डे ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये तीनों मिलेगा, साथ में फुल एयर कंडीशनर और रूम वगैरह मिलेगा। लाइक देख सकते हो ये पूरा जो इंटीरियर डिजाइन वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 AC मतलब AC मिल जाएगा, यहाँ पे फुल AC मतलब कूलिंग ही कूलिंग, कुछ गर्मी का तो गर्मी ज़्यादा लगने वाली नहीं है। और रही बात बेड की तो आप देख सकते हो फुल मसाला एकदम परफेक्ट एकदम प्यारा बेड वगैरह है। कोई भी मतलब बंदा आता है जो भी पूरे ग्रुप के साथ आता है तो उसको एकदम इन्जॉयमेंट के साथ रहने रहने वाला। तो असल में यहाँ पे कोई बंदा आता है तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलने वाले कंपेयरिंग दूसरे से? सर्विस फूड और मतलब दूसरे से अलावा मैंने यहाँ पे देखा कि पूरा एकदम ग्रीनरी है, तो दूसरे में इसमें कुछ रहता नहीं है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सर्विस वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ खाने से लेके पीने सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा कुछ भी रहेगा मैं आशीर्वाद का नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। और इनका जो फार्म हाउस है ज़्यादा नहीं, कर्जा स्टेशन से 10 से 15 मिनट का रास्ता रहेगा, जो भी रिक्शा वाला आता है उसको अप्रॉक्स 150 रुपीज़ देना रहेगा, 150 रुपीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप यहाँ पे आओ फटाफट विजिट मारो। तो आशीर्वाद का मैं कॉन्टैक्ट नंबर वाले डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो कुछ भी क्वेरीज रहेगा इनको कॉल करो DM करो, तो आपको पूरा गाइड करेंगे। कुछ भी मतलब वेकेशन के लिए आना है तो यहाँ पे विजिट करो, जो कि
करजत में जस्ट ऐसे 15 मिनट का रास्ता है भाई रिक्शा, तो आप यहाँ पे फटफट विजिट मारो, जो भी एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल चुका हूँ, फटफट विजिट मारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब भाई रिक्शा वाले को भी आप कॉल कर सकते हो, रिक्शा वाला भी अपने कुछ सीन नहीं है भाई, एकदम आओ, कुछ स्कैम नहीं है यहाँ पे, अपने आशीर भाई एकदम प्यारी वाली सर्विस देगी भाई, एकदम प्यारी वाली, मचाते हुए एक नंबर, आओ।